विदिशा जिले की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत पठाई नगर में स्थित प्राचीन तालाब धीरे धीरे अस्तित्व खोता जा रहा है। यहाँ पर बनी सीढ़ियाँ और कुआं जर्जर हो गया है। गंदगी की वजह से यहाँ पर आने जाने वाले लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। धार्मिक कार्यक्रमों का केंद्र यह तालाब अपनी दुर्दशा के आंसू बहा रहा है। यह तालाब सौंदर्यकरण और साफ सफाई के अभाव में अपना अस्तित्व खोने लगा है। वर्तमान में तालाब की और कुएं की हालत तो यह है कि अभी भी कुआं फिसल सकता है। वहीं पर तालाब का पानी इतना दूषित है कि पानी को छूने का मन नहीं होता। चारों तरफ गंदगी से पटा हुआ है। हालांकि कुछ वर्ष पूर्व पंचायत के द्वारा सिर्फ खाना पूर्ति के तहत साफ सफाई गहरीकरण का कार्य कराया गया था, लेकिन वह भी किसी कारणवश पूरा नहीं हो सका। बीच में ही गहरीकरण के काम को रोक दिया गया। तब से लेकर आज तक इस तालाब के जीर्णोद्धार सौंदर्यकरण के लिए प्रयास नहीं किया गया है। विदिशा पठारी से आशीष सहले की रिपोर्ट। जो चारों तरफ घाट के लिए सौंदर्यकरण के लिए मायूस है, परेशान है, बेहाल है। आप देखिएगा सामने मस्जिद, पास में श्री देवल घाट भोलेनाथ का मंदिर, और यह है सामने बेला कुआ जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में पूरा टूट चुका है। इसका कोई खेवनहार आज तक नहीं हुआ, ना आज तक कुछ मरम्मत हुई, ना घाट है ना कुछ है। बाजू में आइए आप, मंदिर गणेश जी का मंदिर है, शंकर जी विराजमान है। यहाँ पर ताजिया और गुजरिया विसर्जन होती हैं। आप देखिए और गंदगी के लिए आपको खुद से हम देखिए क्या स्थिति है यहाँ की गंदगी की। ये गंदगी है, इसमें जो मटेरियल आज तक डला है वो डला है ही है, इसको कोई उठाया गया नहीं गया ना सफाई हुई है। मैं प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि आप देखिए इस तालाब की स्थिति और इस पर ध्यान दीजिए। आज ये स्थिति है कि नवाबी शासन के दौर का ये तालाब है, वो 20 सिटी में तालाब है, उसके बावजूद भी अगर पूरी पठारी क्षेत्र में जो है तालाब, हमारे तालाब के वाटर लेवल से ही पानी हम लोगों को पर्याप्त होता है। इस तालाब में जानवरों का सबसे ज़्यादा महत्व है कि जानवर यहाँ पानी पीते हैं, लोग इस्तेमाल करते हैं, नहाते हैं, धोते हैं। लेकिन वर्तमान स्थिति में ये है कि तालाब की वो कंडीशन है कि आदमी हाथ धोना पसंद नहीं करता। इतनी गंदगी है चारों तरफ, ना ही यहाँ कोई घाट बनाया गया है, ना ही यहाँ पे कोई लाइट व्यवस्था की गई है, ना कोई गार्डन बनाया गया है। जबकि देखा जाए तो ये हमारा नवाबों की बस्ती से, नवाबी शासन से चला आ रहा है ये तालाब। पहले लोग नहाते थे, पानी पीते थे, सारी चीज़ें होती थी। यहाँ पे भुजरियाँ सिरती हैं, ये मंदिर घाट पे इस तरफ करबला है जहाँ पे ताजिए सराए जाते हैं। लेकिन इस समय की पोजीशन ये है कि जहाँ तक देखा जाए तालाब की जर्जर हालत पड़ी हुई है, और आने वाला समय ये है कि अगर तालाब की रेख देख नहीं की जा सकती है, शासन प्रशासन द्वारा इस तालाब के लिए खूबसूरत नहीं किया जाता है, ध्यान नहीं दिया जाता, तो आने वाले समय में ये तालाब नष्ट हो जाएगा। और सिर्फ हम लोगों को एक ही ऑप्शन रहेगा कि यहाँ पे कभी पठारी में तालाब हुआ करता था, लेकिन अब वो तालाब नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।